بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين حبيبنا وحبيب رب العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصالحين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد جامع مسجد سیدہ آمینہ اور جامعہ حنفیہ غوثیہ کی بانی اور محتمم حضرت علامہ پیر قاری غلام رسول قصوری صاحب اور ہم مکتب اور زمانہ طالب علمی کے میرے رفیق محترم اور ان کے والد ماجد حضرت علامہ استاد العلماء شیخ الحدیث مفتی محمد یونس امجدی صاحب دامت برکاتہم خورشید ملت حضرت علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری دامت برکاتہم العالیہ اور استاد محترم حضرت قبلہ خواجہ سائیں پیر اسرار الحق صاحب چشتی نظامی فخری دامت برکاتہم اور حضرت علامہ محترم حافظ احمد شیر صاحب اور استاد القراء حضرت علامہ قاری محمد برخوردار احمد سجیدی صاحب اور استاد العلماء حضرت علامہ مفتی غلام حسن قادری صاحب اور اسٹیج پر موجود میرے دائیں اور بائیں ہمارے مقتدر ممتاز اجلا افاضل اکابر علماء کرام اور مشائخ عظام دیگر خطباء اہل سنت معززین علاقہ اور محترمین و مکرمین حضرات و خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے اس سے پہلے فاضلانہ جوش خطابات سنے اب میری سادہ سی باتیں سادہ سے انداز میں آپ توجہ سے سنیں
नारों की जरूरत नहीं है, बस तवज्जो से गुफ्तगू को सुने। सबसे पहले तो ये कि ये आज का इज्तिमा सैयदुश्शुहदा हम्मे रसूल मुकर्रम हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम नामी से मंसूब है। मैं उन पर तफसीली बात नहीं करूँगा, एक बात दर्शाऊँगा कि खुद मैं 1978 में पहली बार ज़ियारत हरमैन तय्यिबैन और हज के लिए हाजिर हुआ। उस ज़माने में कुतुब मदीना खलीफ़े इमाम अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला हयात थे और हम इशा के बाद उनकी मजलिस में बैठा करते थे। उन्होंने बताया कि तरक्की का ज़माना आ गया और नहायत मुश्किल हालात थे, तो मैं सुबह उठा और जबल उहुद के दामन में सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़ार पर हाजिर हुआ, फातिहा पढ़ी और उनसे इल्तिजा की कि दायदार कायनात की बारगाह में आपको शफी बनाता हूँ, सिफारशी बनाता हूँ, मेरी सिफारिश कर लीजिए। उनका तवस्सुल पकड़ कर मैं रोज़े रसूल पर बारगाह मुस्तफ़वी में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आपके हम्मे मुकर्रम की सिफारिश लेकर आया हूँ और मुश्किल ज़माना है, तंगी का ज़माना है, मदद कर दीजिए। कहने लगे कि रात को मैं सोया, ख्वाब देखा कोई बाबा आया है और उसने आटे की बोरी उठाई हुई है, घी भी है, खजूरें भी हैं और चीज़ें भी हैं। मैं अचानक बेदार हुआ, उठा और दरवाजे पर गया तो वो बुजुर्ग ये सब कुछ उठाए हुए मौजूद थे। इसलिए आपको अगर मदीने मुनव्वरा जाना हो और हुज़ूर की बारगाह में इस्तिगासा पेश करना हो तो सैयदुश्शुहदा की बारगाह में हाजिर हों, फातिहा पढ़ें और उनसे हुज़ूर की बारगाह में वसीला बनने की दरख्वास्त करें, फिर रोज़े रसूल पर हाजिर हों। उम्मीद है कि जो आपकी जायज मुराद होगी अल्लाह के हबीब उसे पूरा फरमाएगा। वहाँ नहीं जा सकते तो यहाँ सैयदुश्शुहदा की फातिहा पढ़े, निशाले सवाब करें, फिर उनसे इल्तिजा करें कि हुज़ूर की बारगाह में सिफारिश करनी है, फिर हुज़ूर की बारगाह में अपनी मुराद पेश करें। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो आपकी इल्तिजा कभी रद्द नहीं होगी। मैं चंद सुली बातें आपकी खिदमत में
अर्ज करना चाहता हूँ, इसलिए कि आज हमारे अंदर भी फितने दराए हैं और अंदर का फितना बैरूनी फितने से ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए दीन की बुनियाद और अकायद की बुनियाद को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले ये समझें कि जिस तरह हज बैतुल्लाह के तवाफ का नाम है, बैतुल्लाह सेंटर पॉइंट है और हाजी उसके गिर्द गिर्द चक्कर लगाता है, इसी तरह दीन का सेंटर पॉइंट कायदारे कायनात है और इस्लाम आपका तवाफ कर रहा है। इसलिए हमारे नज़दीक जो जितना कायदारे मदीना का मुकर्रब है उतना ही हमारा महबूब है। और ये उसूल कुरान ने बताया, इला उक्सिमु बिहाज़ल बलद वान तहिल्लु बिहाज़ल बलद, उन्होंने फरमाया कि मैं बलद अमीन मक्का की कसम फरमाता हूँ, इसलिए नहीं कि यहाँ बैतुल्लाह है, यहाँ जमजम है, यहाँ सफा है, मरवा है, मीना है, अरफात है। मेरे रब ने फरमाया ए प्यारे हबीब, मैं इस बलद अमीन की कसम इसलिए फरमाता हूँ कि आप इसकी गलियों में चले और फिरे और इसकी खाक के जर्रों को आपके पांव के तलवों का बोसा लेने का शर्फ हासिल हुआ है। इसलिए इमाम अहले सुन्नत के भाई हजरत हसन रज़ा खान ने कहा था कि वहां के संग रेजों से असद क्या लाल को निस्बत, वो उनकी राह को दर में है, ये पत्थर है बदख्शां। इसलिए उलमाए उम्मत ने कहा कि आज रोज़े रसूल में जो खाक के जर्रे हमारे आका के बदन से छू रहे हैं वो बैतुल्लाह से भी अफजल हैं, अर्श से भी अफजल हैं, लोह से भी अफजल हैं, कुर्सी से भी अफजल हैं। अब आप कहेंगे कहाँ बैतुल्लाह और कहाँ ये, तो बैतुल्लाह भी मखलूक है, अर्श भी मखलूक है और मखलूक में सबसे अफजल कायदार कायनात है। इसलिए दीन को आपकी ज़ात से जाना जाएगा, आपकी ज़ात से पहचाना जाएगा, आपकी कसौटी पर परखा जाएगा। आपके बाद आपके अहले बैत अतहार, आपके सहाबाए किराम, महातुल मोमिनीन, ये उम्मत के सबसे पाकीज़ा नफूस हैं। ये वो पाकीज़ा नफूस हैं कि जिन्होंने अपनी जिस्मानी निगाहों से अल्लाह के रसूल को चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खलवत में, जलवत में, बज़्म में,
रस्म में यहाँ तक के जलील अमीन को बशक्ल बशरी आपके कदमों में जानों में तलम्बुस पे करते हुए देखा है। तो जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। इसलिए जिन निगाहों ने रिसालत के जलवों को अपने अंदर जज्ब किया है, कोई उनका मुकाबिल नहीं हो सकता, कोई उनका हमसर नहीं हो सकता किसी भी तरीके। फिर जिस तरह अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि वे अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ नबीय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, जब अल्लाह ने आलमे अरवाह में अरवाहे अंबिया को जमा किया और उनसे मीसाक लिया, अहद लिया कि जब मैं तुम्हें अपनी अपनी बारी पर ज़मीन पर भेजूँगा, सुम्मा जाकुम रसूलुन मुसद्दिकुन लिमा माकुम, फिर तुम्हारे पास एक रसूल अजीम आ जाए जो उस पैगाम की तस्दीक करने वाला हो जो तुम्हारे पास मौजूद है, तो तुम वादा करो लतुमिरुन्न बिह, तुम जरूर बिज़रूर उस पर ईमान लाओगे, वलतंसुरुन्नह, तुम जरूर बिज़रूर उसकी मदद करोगे। क्या तुमने इस पर मुझसे पुख्ता अहद ले लिया, तो गौर का मकाम ये है कि अल्लाह को तो मालूम था ना कि हुजूर के ज़माने में नहीं आएंगे, अल्लाह को तो मालूम था कि उसके हबीब सबसे आखिर में आएंगे। फिर भी साथ लेने के माना क्या है, इसके माना ये है कि उनकी नबूवत की शर्त लाजिम ये थी कि अपने अपने दौर में अल्लाह के हबीब का चर्चा करते हुए चले जाए, उनकी ड्यूटी थी। और वो चर्चा करते हुए गए अपने अपने दौर में, यहाँ तक के कुरान बताता है हुजूर की आमद से पहले उस दौर के मुसलमानों का जब काफिरों से मुकाबला होता और काफिर गालिब होते नजर आते, तो फिर वो कहते कि या अल्लाह नबी आखिर जमा के वसीले से फतह अता फरमा, यानी आपकी आमद से पहले आपका वसीला चल रहा था, पेश किया जाता था। फरमाया ये अलग बात है, फलम्मा जाहुम्मा अरफु कफरू बे, जब वो उनके पास आ गए और तौरात और इंजील में जो निशानियां बताई हैं उनकी रोशनी में पहचान लिया, लेकिन हसद के मारे इनकार कर दिया। तो जिस तरह सारे अंबियाए किराम की जिम्मेदारी थी कि हुजूर का चर्चा करते हुए जाएं, हुजूर की बशारतें सुनाते हुए जाएं, इस तरह ये भी जिम्मेदारी थी कि असहाबे रसूल के भी फजाइल बयान करते हुए जाएं। बात समझ में आ रही है, जब कुरान बताता है कि मुहम्मद और रसूलुल्लाह
محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار کافروں کے مقابلے میں انتہائی سخت، رحماء بینہم آپس میں بڑے رحیم کریم نرم دل، تراہم رکعان سجدا، اے مخاطب تو جب بھی انہیں دیکھے گا یا حالت رکوع میں پائے گا یا حالت سجدہ میں پائے گا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل اور رضا کے طلبگار رہتے ہیں، سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، ان کو پہچاننا چاہو تو میں ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار ہیں، اس امراض کھالا گھٹا نہیں ہے، اس سے مراد نور ہے، فرمایا کہ من نورهم یسا بین ایدیہم تو بے ایمانے، جدھر جائیں گے سامنے بھی نور ہوگا دائیں جانب بھی نور ہوگا، تاجدار کائنات سے پوچھا گیا کہ قیامت میں کم و بیش 124,000 انبیاء اکرام کی امتیں ہوں گی، تو آپ کی امت کی پہچان کیا ہوگی؟ جیسے مختلف حکومتوں کی فوجیں ایک جگہ جمع ہوں فرق کی یونیفارم الگ ہوتی ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے امتی غر محجل ہوں گے، پنج کلیان گھوڑا جس کی پیشانی پر سفید داغ، گھٹنوں پر سفید داغ، فرمایا کہ وہ جدھر سے گزریں گے ان کا نور چمک رہا ہوگا، اللہ فرماتا ہے کہ ذالک مثلہم فی التورات، صحابہ رسول کی یہ مثال تورات میں بیان کی ہے، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں ان کی مثال یہ بیان کی ہے کہ کَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْأَهُ، کہ ایک کاشتکار نے بیج بویا، اس کی باریک سی حساس سی کونپل نکلی، فَاسْتَغْلَظَ، وہ دبیز ہوتی چلی گئی، موٹی ہوتی چلی گئی، فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ، پھر ایک وقت آیا کہ وہ ایک تناور درخت کی شکل میں اپنے وجود پر قائم ہو گئی، فرمایا یعجب الزرع، جب کاشتکار اپنی محنت کا پھل ایک تناور درخت کی شکل میں دیکھتا ہے کہ آندھی آئے، طوفان آئے، جھکڑ چلیں، اس کو ہلا نہ سکیں، تو وہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، اور کفار دیکھ کر جل اٹھتے ہیں، تو یہ کاشتکار کون تھا؟ تاجدار کائنات، زمین کون سی تھی؟ قلوب صحابہ کرام، بیج کیا تھا؟ ایمان کا بیج تھا، اور جب میرے آقا نے حجت الوداع کے موقع پر اپنی 23 سالہ نبوی زندگی کا پھل دیکھا تو کھل اٹھے، تو معلوم ہوا کہ صحابہ کی شان کو دیکھ کر کھل اٹھنا سنت مصطفیٰ، اور جل جانا کفار کا طریقہ ہے، قرآن بتاتا ہے کہ یہ تورات انجیل میں بیان ہوا، تو تورات میں بھی اصحاب رسول کے قصیدے
और इंजील में भी अस्हाबे रसूल के कसीदे और कुरान में भी और कुरान में भी फरमाया लकद रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज युबायिऊनक तहत शजरा। अल्लाह उन मोमिनों से 1400 के लगभग सहाबा इकराम थे सुलह हुदैबिया के मौके पर फरमाता है अल्लाह उनसे राजी हो गया जो दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बेयत कर रहे थे। यदुल्लाह फौक एदी हैं सहाबी अपना दायां हाथ बढ़ाता हुजूर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते तो कुरान ने फरमाया इस मंजर को पिक्चराइज कर दिया अल्फाज में कि देखने वालों की नज़र में मुस्तफ़ा का हाथ है लेकिन दर हकीकत वो खुदा का हाथ है। अब आप मुझे बताएं कि जिनको अल्लाह रजामंदी की का सर्टिफिकेट दे दे और कुरान में दे तो अगर उस पर किसी को तकलीफ है तो उसे कुरान से तकलीफ होगी क्योंकि कुरान की शहादत को तो चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये बेयत किस लिए थी? ये मशहूर हो गया कि अगर उस्मान को शहीद कर दिया गया है हुज़ूर ने सफ़ीर बनाकर मक्के वालों के पास भेजा था। मक्के वालों ने कहा कि तुम्हारे नबी को जो इजाज़त नहीं देंगे लेकिन तो बड़े रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल हो मौजूद हो उस्मान आप तवाफ़ करना चाहो तो कर लो। उन्होंने कहा इस तवाफ़ की तमन्ना लेकर तो मदीने से चलकर आए हैं लेकिन ऐसे आलम में कि मेरे आका को तवाफ़ करने से रोक दिया हो उस्मान की गैरत गवारा नहीं करती कि तन्हा बैतुल्लाह का तवाफ़ करें। और उधर जब सबकी बैत हो चुकी तो उन्होंने बायां हाथ आगे बढ़ाया और दायां हाथ रखा तो मैं के हाथ ही बैत उस्मान ये उस्मान की बैत है। कुछ लोग कहते हैं अगर हुजूर को पता होता कि उस्मान जिंदा है तो बैत किस लिए लेते पता नहीं था। तो मैं पूछता हूँ कि हुजूर तो उस्मान की बैत ले रहे हैं तो बैत जिंदों की ली जाती है या मर्दों की ली जाती है? तो अब्दुल्ला बिन उमर ने एक खारजी के जवाब में फरमाया यदु रसूलिल्लाह लिउस्मान खैरुम मिन यदिही लिनफ्सिह सबने बैत के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस्मान की बैत के लिए ताजदार कायनात का हाथ बढ़ा। तो पूरी कायनात की बैत एक तरफ रख दें और उस्मान की बैत एक तरफ रख दें इसका कोई मुकाबला हो सकता है? सहाबा से पूछा कि अलामा बाया तुम इस बैत की शर्त क्या थी? कि बायान अलल मौत हमने इस शर्त पर बैत की थी कि अगर अल्लाह और उसके रसूल को हमारी जान की ज़रूरत हुई तो पैदा करने से दरेद नहीं करेंगे। कुरान मजीद की आयतों की आयतें हैं। इसी तरह अहले बैत अतहार की निशान है। हुज़ूर ने फरमाया अन्नासो मिन शजरतिन शत्ता अना वालीयुन मिन शजरतिन वाहिदा सबका शजरा नसब मुख्तलिफ है मेरा और अली का शजरा नसब एक है। रावलपिंडी में एक मजलिस में खड़ा हुआ कि मैं सैयद हूँ आले रसूल हूँ
मेरा नसब बयान होगा, फलां बिन फलां बिन फलां चलते चलते बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन बिन अली बिन अबू तालिब, तो कहते हैं कि मोहम्मद तो आई नहीं, तो उसने ये जसारत की कि मोहम्मद को अबू तालिब में जम कर दिया। अब मैं आपकी गैरत ईमान से पूछता हूँ, मोहम्मद जम होने के लिए आई थी? जोर से जवाब दो। मेरे आका डुप्लीकेट थे? किसी में मर्ज होने के लिए आए थे? वो तो मकसद वजूद कायनात थे। तो अगर कोई मेरे आका की शान में ये कहेगा तो बर्दाश्त करोगे? जोर से बोलो। तो मैंने जवाब दिया कि जिसको आले रसूल कहलाना है उनके बारे में मेरे आका ने फरमाया, कुल्लो बनी अबिन और कुल्लो बनी उम्मिन असबतो हु मिन अबी, हर बाप का बेटा हर माँ का बेटा उसका नसब उसके बाप से चलेगा, इल्ला बनी फातिमा। मेरे आका ने फरमाया कि सारी कायनात के लिए एक ज़ाब्ता और सैयदाए खवातीन जन्नत के लिए अलग ज़ाब्ता। फरमाया कि सैयदा फातिमा ज़हरा के जंक्शन से उसकी ट्रेन मेरी तरफ मुड़ जाएगा। अना असबा तो हूँ, मैं उनका असबा हूँ। तो जो आले रसूल कहलाने का शौकीन है उसे तो सैयदा फातिमा से ताजदारे कायनात की तरफ टर्न करना पड़ेगा, वरना हजरत अली की गैर फातिमी औलाद आवान कहलाते हैं, अलवी कहलाते हैं, सैयद नहीं कहलाते। बात समझ में आ रही है? इसलिए फितना क्या है, ये नहीं है अहले सुन्नत में अहले बैत की तारीफ किसी को पसंद नहीं है। कौन बदनसीब होगा? अहले बैत अतहार की जितनी तारीफ की जाए हमारे ईमान को तकवीत मिलती है, हमारी रूह को करारो सुकून मिलता है। लेकिन हुदूद शरा में, क्योंकि मेरे आका और मौला ने फरमाया, ला तअतिरूनी कमा अतरतिन नसार अलमसीह इब्न मरियम, जैसे नसारा ने मसीह इब्न मरियम को की शान को बयान करने में मुबालगा किया और उसे नबुव्वत के मकाम से उठाकर उलूहियत के मकाम पर पहुंचा दिया, मेरे आका ने फरमाया कि मेरे लिए इसकी इजाज़त नहीं है। मुझे बताओ, जब अल्लाह के हबीब के लिए नहीं है तो किसी और के लिए हो सकती है? कोई भी हो। इसलिए हुदूद शरा में मकाम नबूवत बयान की जाए, मकाम अहले बैत बयान किया जाए, मकाम सहाबा बयान किया जाए, मकाम उम्महातुल मोमिनीन बयान किया जाए, मकाम औलियाए कामिलीन बयान किया जाए, अहले सुन्नत की रूह को सुकून मिलता है। लेकिन जो फितना पैदा हुआ वो ये है कि इन शख्सियात की अजमतों में टकराव नहीं है कि एक को मानोगे या दूसरे को मानोगे, हम सब के मानने वाले हैं। और जो मोमिन कामिल है वो सबको मानेगा और किसी एक की अजमत का भी इनकार करेगा तो मोमिन कामिल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि ये सब मोहब्बतें जमा नहीं हो सकती, ये मोमिन के दिल में जमा होती हैं।
کہ لا یجتمع حب علی و بغض ابی بکر فی قلب واحد، ایک دل میں محبت علی اور بغض ابو بکر جمع، زور سے بولو جمع نہیں ہو سکتا، جو محب علی ہے وہ محب ابو بکر ہے اور جو مبغض ابو بکر ہے وہ مبغض علی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے آج کل جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی شان بیان کرو، لیکن اگر صراحتاً اشارتاً کنایتاً تعریضاً توریتاً صحابی کی توہین کرو گے تو یہ کسی قیمت پر برداشت نہیں ہوگا، کسی بھی درجے میں برداشت نہیں ہوگا، یہ نہیں مانے گا. سب کی تعریف کرو درجہ بہ درجہ مرتبہ بہ مرتبہ، لیکن تنقیص کسی کی برداشت نہیں ہوگی. یہ فتنہ بنیادی یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ایکسپلائٹ کرنا، استحصال کرنا. یہ میں 21ویں صدی شروع ہوئی جس ناتھانیوں کے کلچر پر میں تنبیہ لکھ رہا تھا. ایک تو نقصان یہ ہوا کہ 11 بجے سے لے کر 4 بجے تک محفل نعت، نہ عشاء کی نماز نہ فجر کی نماز. یہ کون سے عشق رسول بن، یہ کس نے سکھایا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ایک نوجوان 5 وقت کا نمازی ایک دن فجر کی نماز میں نہ آیا، انہوں نے سمجھا بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا کہ صاحبزادے نہیں آئے، کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ساری رات نفل پڑھتے رہے، پچھلے پہر آنکھ لگ گئی، جماعت میں نہ آ سکے. جناب فاروق اعظم نے فرمایا کاش یہ عشاء کے بعد ساری رات سویا ہوتا لیکن فجر کی نماز قضا نہ کی ہوتی. اس لیے یہ جو کلچر ہوا، اور کلچر کیا ہے؟ جو کچھ گلو ہے، ایک ایک رات میں آپ لاکھوں دیں، ہزاروں دیں، اور جو عالم مہینہ بھر بیٹھ کے قرآن کی تفسیر بیان کرے، حدیث مصطفیٰ پڑھائے، اس کو مہینے اور سال میں بھی اتنا نہ دو، یہ عشق مصطفیٰ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب مجھے بتائیں کہ جب آپ یہ کریں گے تو آپ کے یہاں قوال اور ناتواں پیدا ہوں گے یا علماء پیدا ہوں گے؟ پھر وہ بڑا ماہر نفسیات ہوتا ہے، یہ شیخ شیخ صاحب کی نظر، یہ شیخ صاحب کی نظر، یہ چودھری صاحب کی نظر، یہ حاجی صاحب کی نظر، اللہ اور رسول کی نظر تو تب کریں کہ اوپر سے لوٹ رہے، نوٹوں کی نظر. اسی کو کہتے ہیں کہ دین حکم دینار حکم. یہ پیٹ کی شریعت ہے، اس لیے خواب غفلت سے جاگو، علماء سے جڑو، مدارس سے جڑو، مساجد سے جڑو. ہمارے دین کے قلعے یہ ہیں. جب ناموس رسالت کا وقت آیا تو یہ آرٹسٹ کہاں نظر آئے؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ کسی آرٹسٹ نے کوڑے کھائے، گولی کھائی ہے؟ کسی قوال نے؟
पर ये खुदा में दीन आए। मुझे बताया गया कि अल्लामा हाफिज़ साद रिज़वी ने आखिरी दिनों में अपने वालिद माजद से अमीर मुजाहिदीन से कहा कि कुछ दिनों के लिए हम उम्रे पे जाते हैं मदीने मुनव्वरा में, कुछ दिन गुजारते हैं सुकून के साथ करार के साथ। तो उन्होंने फरमाया कि चलिया मैं किस मुँह डाल जाऊँगा आका के दरबार में कि मेरे आका जी तोहीन हो तो सारे मसन जिंदे। तो नामोश रसालत पर हमला हो तो ना कव्वाल ना आमिल ना आर्टिस्ट ना अफ़ान तो फिर पहचान नहीं है। इसलिए ये पैसा तो दीन के नाम पर देते हो ना, अगर पांच मरले का प्लॉट लेना हो इस पूरे मजमे में एक बंदा बता दे जो पहली दुकान पर ढेर हो गया था। दस दुकानों पर जाएगा इस साइड एजेंट की कीमत सही है या नहीं, मार्केट में नफ़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दुनिया में पांच मरले का प्लाट लो तो 25 माहिरों से पूछो और जन्नत में महल लो तो किसी से न पूछो। इसलिए ये खराबी कोई जिसको चाहे लीडर बनाए हमारी बला से, किसी पार्टी को माने हमारी बला से, लेकिन अगर किसी के माँ बाप को हजरत अब्दुल्ला हजरत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा के का मसील बताए और किसी को दाईदारे कायनात का मसील बताए, हमारी गैरत ईमानी बर्दाश्त करेगी? कैसे जिंदा हो? तो डू मरना चाहिए। एक क्या आज 8 अरब इंसान है, 8 अरब क्या 1000 खरब इंसान एक पल्ले में डाल दो तो दाईदारे कायनात के बराबर हो सकती? जब हमने सवाल किया तो बच्चा बच्चे से नहीं पूछ रहे, बच्चे के मुंह में किसने डाले ये अल्फाज उनसे पूछना है, जो स्टेज पर तालियां बजा रहे थे उनसे पूछना है। तो ये सियासतदान तुम्हें जहन्नम से बचाएंगे क्या? क्या ईमान का सौदा कर लोगे? इसलिए आपको बेदार रहने की जरूरत है। जाली इश्क, दो नंबरी इश्क, दस नंबरी इश्क नहीं चलेगा। जैन मन असली 24 कैरेट का, कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई मुफाहमत नहीं। कायनात के सारे माँ बाप हजरत अब्दुल्ला हजरत आमना पर कुर्बान हो गए रज़ियल्लाहु अन्हुमा। और इसीलिए आप में से कोई जैनमन आशिक है तो उसका हिस्सा मेरे आका ने बचा कर रखा है। पूछा गया मन अशद्दुन्नास हुब्बन लक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका सबसे बड़ा आशिक कौन है? मेरे आका ने फरमाया कि नासुन यकूनो न मिन वराई, वो लोग हैं जो मेरे बाद आएंगे
जिन्होंने मुझे देखा नहीं है लेकिन तमन्ना करते हैं काश ये मताए हयात और मताए कायनात सब कुर्बान हो जाए और आका के दीदार की एक झलक नसीब हो जाए। और मेरे आका ने फरमाया तूबा लिमन रहानी व आमन बी, जो मुझे देखकर मुझ पर ईमान लाया उसके लिए एक बशारत हो वह तूबा सबा मर रहा लिमन लम यरनी व आमन बी, और जो बिन देखे मुझ पर ईमान लाया उसको सात बशारतें हो। लेकिन आजकल आपके ईमान का तोला जा रहा है, टेस्ट है आपके ईमान का। ये जो दिन चल रहे हैं ये आपसे पूछा जाएगा, और ये मत कहना कि किसी ने बताया नहीं था। हम क्या हैं? इसलिए हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाहु अन्हु जिनके कदमों में दो सुपर पावर ढेर हो गई, पर्शियन अम्पायर और रोमन अम्पायर कैसर व किसरा, अपने अहद खिलाफत में हज करने आए, मक्के की पहाड़ियों में चले गए, किसी ने देखा तो उनकी आंखों से आंसू जारी हैं। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ये तो मसरत का मकाम है, आप फातेह आलम बन गए, इस्लाम गालिब हो गया आपके जरिए, आप रो रहे हैं। मेरे अजीज ये हुज़्न व मलाल के आंसू नहीं, रंजो अलम के आंसू नहीं, दुख और दर्द के आंसू नहीं, ये बारगाह है रब्बुल आलमीन में तशक्कुर के आंसू हैं। मुझे अपना लड़कपन याद आ गया, मैं यहाँ इन पहाड़ियों में ऊँट चराया करता था, रात को रेवड़ को लेकर आता, एक को बांधता दूसरा भाग जाता, उसको घेर के लाता तीसरा भाग जाता, उसको घेर के लाता चौथा भाग जाता। उनका बाप खताब बड़े जलाली थे, कहा कि मुझे पीटते के नालायक उमर तुझे ये 30-40-50 ऊँट कंट्रोल नहीं हो रहे, कहा कि देखो एक खताब का बेटा उमर था जो 50 ऊँटों को कंट्रोल नहीं कर सकता था, एक गुलामे मुस्तफ़ा उमर है जो 26 लाख मुरब्बा मील को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। आपको तो चमक दिखाए तो लपक जाते हैं। तो काबिर मालिक जो गज़वे तबूक में नहीं जा सके थे, 80 के लगभग अफराद सब ने उज़्र बहाने किए, 3 ऐसे थे काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबी, हिलाल बिन उमैया, लगते या रसूल अल्लाह कोई बहाना नहीं है, उज़्र नहीं है, कोताही हो गई। तो हुज़ूर ने कलाम बंद कर दिया, कहते हम नमाज पढ़ते पीछे, जब हम आपकी तरफ न देख रहे होते तो आप हमें देखते, जब हम नजरें फेरते तो आप रुख बदल देते। कुछ दिन के बाद फरमाया कि इनका टोटल बाइकॉट, ये घर पर नए मस्जिद में नहीं आ सकते। कुछ दिन के बाद फरमाया कि बीवियां भी इनसे जुदा हो जाएंगी। दो ने कहा कि हम बीवियों के बगैर गुजारा नहीं कर पाएंगे, उन्होंने इजाजत दे दी। काबिल मालिक कहते हैं कि मैं ये भी नाराज कर सका। 50 दिन हो गए,
इस दौरान कैसर का नुमाइंदा आया मक्का में कि काब का घर बताओ कहाँ है। ढूंढते डांटते काब बिन मालिक के घर गया और कहा कि काब हमने सुना है कि तुम्हारे साहिब ने तुम्हें छोड़ दिया है। तो कैसर ने कहा कि हमारे दरबार में आओ, वजीर बनाएंगे, रिश्ता देंगे, तख्त पे बिठाएंगे। काब जारों पतार रोने लगे, आज किसी को ऑफर मिल जाए तो पलट के न देखे। कहने लगे कि मैं इस पर रोता रहा कि दुश्मन इस्लाम को ये कैसे उम्मीद कायम हो गई कि काब के ईमान को खरीदा जा सकता। तो 50 दिन हुए तो हुजूर ने फरमाया काब को बुला। कहते जो हमारे जिगरी यार थे बाईकाट के दिनों में हम नाम लेकर पुकारते वो पलट के देखते नहीं थे। क्यों? मोहब्बत भी अल्लाह और रसूल के लिए, नफरत भी अल्लाह और रसूल के लिए। बुलाओ कैसर, दौड़ता हुआ आया। फरमाया मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने कमीज उतार कर उसको दे दी। मैं मस्जिद नबवी में गया, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह ये बुलावा आपकी तरफ से आया है या अल्लाह की तरफ से? मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से आया। और कुरान ने फरमाया वाला सलासत الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت। जो तीन आदमी पीछे रह गए थे 50 दिन के बाइकॉट में, जमीन अपनी वसतों के बावजूद तंग हो गई लेकिन इश्क सच्चा था, तो आसमान से जिब्रील अमीन तौबा की कबूलियत की सनद पुरानी आयत की सूरत में लेकर नाजिल हुए। तो मेरे अजीजों, ईमान खरा और सच्चा होना चाहिए और आका के मुकाबले में, आका तो क्या है, ये सारे जमा हो जाएं तो मेरे आका के कदमों की खाक के एक जर्रे के बराबर में नहीं हो सकते। ये क्या बेचते हैं? लेकिन अगर मुसलमानों की गैरत मर जाए, जाकर सवाल न करें, पूछे नहीं, तो मरना नहीं आपने, कब्र में नहीं जाना, अल्लाह के रसूल को मुंह नहीं दिखाना, अल्लाह की बारगाह में जवाब नहीं देना। इसलिए मुश्किल वक्त है और हमारे पास सबसे बड़ी दौलत ईमान है, मोहब्बत मुस्तफ़ा है। इसको बचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। और जो हमारी सफ़ों में दाखिल होकर तकाबल करते हैं अहले बैत और सहाबा में, वो भी हमारे अपने खैरख्वाह नहीं है। हमारा खैरख्वाह कौन है? जो अल्लाह के हबीब के सब प्यारों का हमें गुलाम बनाए, सबकी मोहब्बत से खाए, सबकी अकीदत हमारे दिलों दिमाग में पैदा करें, ये बुनियादी ज़रूरत है। बहुत सी बातें अर्ज करती थी लेकिन अब वक्त बहुत हो गया। मैं अल्लामा पीर कारी गुलाम रसूल कसूरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे बताया गया कि ये मिशनरी आदमी हैं, दावती आदमी हैं और ऐसे लोगों की दीन को बहुत ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, फैसला तेरा तेरे हाथों में है, दिल या शिकम।
पेट की पुकार पर लब्बैक कहोगे या दिल की पुकार पर लब्बैक कहोगे, ये आपने फैसला करना है। और इसी की बाबत आपसे सवाल होगा। अल्लाह मुझे और आपको सुरखरू फरमाए। अमा अलैया इल्ला बलागुन।